हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पॉपकॉर्न। मार्केट में इस तरह के सीड्स मिलते हैं, उससे हम ये पॉपकॉर्न बना लेंगे। ये देखो, मैंने यहाँ पे पॉपकॉर्न बना के रखे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम गैस ऑन करके उस पे पैन रखेंगे। मैं यहाँ पे पैन में बनाने वाली हूँ, आप कुकर में भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें 3 चम्मच ऑयल डालूंगी। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखना है क्योंकि पॉपकॉर्न अच्छी तरह से सब तरफ से येलो कलर के बन जाए। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और नमक। आपकी चॉइस अनुसार, आपके स्वाद अनुसार आप नमक ज़्यादा कम रख सकते हैं। ये देखो, मैंने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। अब हम इसमें छोटा सा कटोरी भर छोटी सी उसमें हम पॉपकॉर्न के सीड्स डालेंगे। ये देखो, पूरे ऑयल में ये डूब चुके हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। अब इसमें से इस तरह से आवाज़ आएंगी, इसका मतलब पॉपकॉर्न फूल रहे हैं। देखो, 5 मिनट के बाद मैं अब इसे देख रही हूँ। ये देखो, हमारे पॉपकॉर्न अच्छे से फूल गए हैं, येलो कलर के भी लग रहे हैं। ये हो गए हमारे पॉपकॉर्न तैयार। मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। इतने छोटी से कटोरी में से हमने इतने बड़े पॉपकॉर्न बना लिए हैं। आप चाहे तो इस पे चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला डाल सकते हैं या पेरी पेरी मसाला भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से हिलाकर हमें चाट मसाला अच्छे से लगा लेंगे। ये देखो, कितने अच्छे से ये फूल गया है। ये हमारे पॉपकॉर्न घर में रेडी हो गए। आप चाहे तो इसमें और मसाला डाल के आपके पसंदीदा मसाले से आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। ये देखो, ये हो गए हमारे पॉपकॉर्न रेडी। आप हाथ में देख सकते हैं, ये देखो कितने अच्छे से बाजार में जैसे भी मिलते हैं वैसे ही ये घर में हम बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।